हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मैं आपको हर तरह के करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। इसके अंदर हर टेंस के सेंटेंसेस मिक्स होंगे। फर्स्ट करेंगे द थीव्स कट द वायर्स ऑफ पावर हाउस। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द थीव्स कट। फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इनडेफिनेट में। जब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द थीव्स कट द वायर्स ऑफ पावर हाउस। द वायर्स ऑफ पावर हाउस इसको हम आगे लेके आएंगे, द वायर्स ऑफ पावर हाउस इज एम आर। वायर यहाँ पे क्या है? ये प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ लगेगा आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो यहाँ पे लगेगा कट बाय द थीव्स। द वायर्स ऑफ द पावर हाउस आर कट बाय द थीव्स। सेकंड, व्हाई डिड यू अब्यूज मी। डिड किस में लगता है? ये लगता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज लगेगा या वर लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वाज या वर हमारा सेंटेंस के शुरू में आएगा। लेकिन ये हमारा डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है, वाई हु, इस तरह का अगर सेंटेंस होता है डब्ल्यू एच वाला तो वाई को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा वाई, उसके बाद लगेगा वाज और मी को हम आगे लेके आएंगे, मी चेंज हो जाएगा आई में। वाई वाज आई एब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज्ड बाय यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। वाई वाज आई abused by you. Third, let the poor not be oppressed. ये हमारा passive voice है, passive voice. इसको हमने active voice में change करना है। ये हमारा passive voice है, active voice में हमने change करना है। Not लगा हुआ है तो ये हमारा sentence do से शुरू होगा, do not oppress the poor। अगर हमारा ये आता do not oppress the poor तो ये सेंटेंस हमारा let से शुरू होता, let the poor not be oppressed। I hope to win। ये हमारा miscellaneous सेंटेंस है, इसके अंदर कोई जो टेंस वाले रूल हैं वो नहीं लगेंगे। ये आएगा हमारा इट इज होप्ड दैट आई विल विन। मे शी लिव लॉन्ग, जैसे हमारा फोर्थ सेंटेंस था इसी तरह से हमारा फिफ्थ सेंटेंस है। मे शी लिव लॉन्ग इट इज प्रेड दैट She may live long. Sixth, bees make honey. Verb की first form है तो ये हमारा present indefinite tense है और इसके अंदर लगेगा is, am और are, is, am और are लगेगा।
हनी को हम आगे ले आएंगे, हनी सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा इज, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, हनी इज मेड बाय बीस। सेवंथ, द बर्ड वॉज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय, बाय दिया हुआ है तो ये कैसा है, पैसिव वॉइस है और हमने इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ए क्रूअल बॉय से शुरू करेंगे हम इसको, ए क्रूअल बॉय, और वाज वर्ब किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ए क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। किल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। कालिदास रोट मेघदूत, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसमें क्या लगेगा जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वाज और वर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेघदूत से शुरू करेंगे, मेघदूत वाज लगेगा इसके साथ क्योंकि मेघदूत एक बुक का नाम है, ये सिंगुलर है, वाज, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाय कालिदास। दिस पिक्चर वाज पेंटेड बाय पारुल, बाय लगा हुआ है तो बाय से हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पैसिव वॉइस है और इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वाज लगा हुआ है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पारुल से शुरू करेंगे, पारुल वर्ब की सेकंड फॉर्म, पेंट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पेंटेड, थर्ड फॉर्म भी पेंटेड है और सेकंड फॉर्म भी पेंटेड है, पारुल पेंटेड दिस पिक्चर। टेन, आई ऑफर्ड हिम ए चेयर, हिम से शुरू करेंगे और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वर लगेगा। ही वाज ऑफर्ड ए चेयर बाय मी, आई चेंज हो जाएगा मी में। इसके अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका हम दो तरह से बना सकते हैं, ए चेयर से भी शुरू कर सकते हैं, ए चेयर वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ए चेयर से भी शुरू कर सकते हैं और हिम को हम ही में चेंज करेंगे, ही से भी शुरू कर सकते हैं। ही वाज ऑफर्ड ए चेयर बाय मी, आई को चेंज कर दिया मी में। अगर हम ऑब्जेक्ट ए चेयर लेंगे तो ए चेयर वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मी, आई चेंज हो जाएगा मी में। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इन टू द मैटर, विल है तो ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, इसमें बी लगता है, विल या शैल आएगा तो उसके साथ बी लगेगा। द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड, सेकेंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम इन्वेस्टिगेट की, द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। लास्ट है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस की शुरू में आती है तो ये हमारा कैसा होता है, इम्पेरेटिव।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के हम लेट से शुरू करते हैं। लेट योर सेल्फ, लेट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लेट योर सेल्फ को हम चेंज करेंगे यू में, और यू के बाद आएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस और करा रही हूँ। सेकेंड प्रैक्टिस सेंटेंसेस की शीट है ये। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय लगेगा। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ बाय, क्योंकि हर एक सेंटेंस में लगता है। कुछ केवल कुछ ही ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर बाय नहीं लगता, और जहाँ पर बाय नहीं लगता मैं आपको ये वीडियो करा चुकी हूँ, आप लिंक देख लेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो हिम से शुरू करेंगे। ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। शी प्लक्ड ए बंच ऑफ फ्लावर्स, प्लक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, वाज वर लगेगा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स से शुरू करेंगे। ए बंच ऑफ फ्लावर्स वाज प्लक्ड बाय हर। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे हम वर नहीं लगाएंगे फ्लावर्स को देख के, हमने यहाँ पे वाज लगाना है। हिंदी में बोलते हैं इसको समूह वाचक संज्ञा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स वाज प्लक्ड बाय, और शी चेंज हो जाएगा हर में। हु टोट हर फ्रेंच, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और डब्ल्यू एच वाला भी है। सेकेंड फॉर्म से हमें पता चल जाएगा ये हमारा पास्ट इनडेफिनिट है, और इसमें वाज और वर लगेगा और सेंटेंस के पहले लगेगा। सबसे पहले हु लगेगा, हु को हम चेंज करेंगे बाय होम में। बाय होम, और हर चेंज हो जाएगा शी में, और वाज पहले आएगा, शी के साथ लगेगा वाज। बाय होम वाज शी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म टीच की दोनों सेम है, फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है तो एफ बढ़ाएगा और बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क। बाय होम वाज शी टॉट फ्रेंच, द क्लर्क रोट द लेटर। सेंटेंस कौन सा हमारा, इसके अंदर टेंस देख लेंगे। सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो पास्ट इनडेफिनेट होता है, और जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वाज या वर लगेगा। द लेटर को हम आगे ले आएंगे, द लेटर वाज राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाय द क्लर्क। द लेटर वाज रिटर्न बाय द क्लर्क। स्टूडेंट्स रीड ओनली टेक्स्ट बुक्स, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट। जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। ओनली टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे हम इसको। ओनली टेक्स्ट बुक्स आर लगेगा, क्योंकि बुक्स यहाँ पे प्लूरल है। और रीड की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों एक जैसी होती हैं, रीड ही लगेगा। रीड बाय द, रीड बाय स्टूडेंट्स। ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, ए लेटर और हिज फ्रेंड। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं,
आप किसी से भी शुरू करते सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं आपके। और रोट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपका सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनेट, वाज वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय लगेगा। ए लेटर से शुरू कर रही हूँ मैं पहले, ए लेटर वाज लगेगा, ए लेटर वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न टू हिज फ्रेंड, बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में। अगर हम हिज फ्रेंड से शुरू करते हैं, हिज फ्रेंड वाज रिटर्न ए लेटर बाय हिम, आप कोई भी लिखें इसमें से दोनों आपके ठीक हैं। ही गेव मी ए पेन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट, वाज वर्ब लगेगा। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आई से शुरू कर रही हूँ, मी को हमने चेंज किया आई में, आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम, ए पेन से शुरू कर सकते हैं, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम, दोनों ही ठीक हैं। डॉक्टर विनोद टीचिज अस केमिस्ट्री, टीचिज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, इज एम आर लगेगा जब हम चेंज करेंगे, अस को लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं अस और केमिस्ट्री, अस से शुरू करते हैं, अस को चेंज किया वी में, वी के साथ लगेगा आर, और टीच की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, वी आर टॉट केमिस्ट्री बाय डॉक्टर विनोद। अब मैं शुरू कर रही हूँ केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर विनोद, ये ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। We learn English at school. Learn verb की first form है, present indefinite tense है, जब हम change करेंगे passive voice में तो is, am या are लगेगा, verb की third form और by लगेगा। English से शुरू कर लेते हैं हम, English is learnt at school by, और वी चेंज हो जाएगा अस में, इंग्लिश के साथ लगेगा इज, और लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड, एट स्कूल यहाँ पे आएगा और बाय वी चेंज हो जाएगा अस में, इंग्लिश इज लर्नड एट स्कूल बाय अस, शी विल टीच देम म्यूजिक, विल यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है, तो विल बी हो जाएगा यहाँ पे, अगर शैल होता तो हमारा शैल बी हो जाता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देम से शुरू करते हैं, देम हमारा चेंज हो जाएगा दे में, दे विल बी टॉट म्यूजिक बाय हर, मैंने यहाँ पे देम को दे में चेंज किया है और विल के साथ लगाया है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टॉट म्यूजिक बाय हर, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं देम और म्यूजिक, मैंने पहले देम को यूज़ करके दे यहाँ पे लिखा है, अब मैं म्यूजिक को सेकंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करूँगी, म्यूजिक विल बी टॉट टू देम बाय हर, तो यहाँ पे हमारे ऐसे ये सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हमारे ये दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, समवन हैज स्टॉलन माई पर्स, हैज ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज के साथ लगे जुड़ जाएगा बीन, अगर हैव होता तो हैव बीन हो जाता। माई पर्स से शुरू करेंगे, माई पर्स हैज़ के साथ लगेगा बीन,
और ऑलरेडी है इसके साथ थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ये एज इट इज रहेगी। माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन बाय समवन, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन। दे हैव प्रूव्ड हिज गैस रॉन्ग, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव लगा हुआ है तो हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। हिज गैस से शुरू करेंगे, हिज गैस हैव बीन प्रूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रूड रॉन्ग बाय और दे चेंज हो जाएगा देम में। हिज गैस हैव बीन प्रूड रॉन्ग बाय देम। तो मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कंप्लीट करा चुकी हूँ। मैंने आपको इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, इसके बाद मैंने आपको कराया है पास्ट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आपको ऐसे भी सेंटेंसेस कराए हैं जिसमें मोडाल्स होते हैं, वर्ब्स फॉलोड बाय मोडाल्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, चेंज ऑफ वॉइस इन द इन्फिनिटिव वर्ब्स, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस जहाँ पे प्रीपोजिशंस आती हैं, और मैंने आपको ऐसे सेंटेंसेस भी कराए जहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे एट लगता है, किसी के साथ विद लगता है, किसी के साथ जैसे डिस्गस्टेड के साथ विद लगेगा, प्लीज्ड के साथ भी विद लगेगा, और कंटेंड है उसके साथ इन लगेगा, तो वहाँ पे बाय नहीं लगेगा। और मैंने आपको मिसलेनियस सेंटेंसेस भी कराए हैं, जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई इसके अंदर मैंने आपको मिसलेनियस सेंटेंसेस भी कराए हैं, क्योंकि उनके अंदर टेंस वाला रूल फॉलो नहीं होता। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट करके आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।